हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर। पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पैन में सरसों ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा और लौंग डालने के बाद उसमें मैंने कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया। उसको थोड़ा सा भून लेने के बाद हम उसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। अब टमाटर और प्याज को दोनों को एक साथ भून लेंगे। उसमें हमने स्वादा अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से भून जाएं। बहुत कम मात्रा में मैंने इसमें हल्दी ऐड की है थोड़ा सा कलर लाने के लिए। अब इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल दी है और दही के डालने के बाद लगातार चलाते हुए आप गैस बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक तरफ मैंने बारीक लंबे कटे हुए प्याज लिए हैं और 2 मैंने हरी मिर्च लिए हैं जो बहुत मोटी वाली होती हैं, जो तेज़ नहीं होती, उसको भी मैंने लंबे शेप में ही कट कर लिया है। हमारा मसाला ठंडा हो गया है, अब हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेंगे। अब एक पैन में आप सरसों ऑयल डालेंगे। बहुत तेज़ गर्म होने के बाद उसमें हम लंबे और बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और जो हरी मिर्च हमने 2 ली थी वो भी आप इसमें ही डाल देंगे और उसको लगातार चलाते हुए लाल होने तक भून लेंगे। प्याज हमारे लाल होने वाले हैं। प्याज लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमने मसाला टमाटर और प्याज का पीस कर ग्रेवी बनाई थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, सब मसाले ऐड करके उसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की हैं, आप वो भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, ग्रेवी भी पकनी शुरू हो गई है हमारी। अब हम इसमें इस टाइम पर कस्तूरी मेथी क्रस्ट करके डालेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमारी सब्जी पनीर की सब्जी रेडी है। पनीर की सब्जी के साथ लच्छा पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैं अब लच्छा पराठा बनाऊंगी। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने एक लोई आटे की लोई ली है और उसको अच्छे से बेल लिया है। बेलने के बाद हम उसमें देसी घी लगाएंगे। अच्छे से चारों तरफ देसी घी लगाने के बाद इसमें हम क्रस्ट की हुई कस्तूरी मेथी लगाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो इसकी लेयर बहुत ही अच्छी बनेगी।
और अब हम सूखा आटा लगाकर इसको बेल देंगे। तवा गर्म हो चुका है, तवे पर आप पराठा डाल देंगे और दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। देखिए इस तरह से आप पराठे को सेक लीजिए। देखिए हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया है, बहुत अच्छी लेयर बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरे ढाबा स्टाइल पनीर की रेसिपी है पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक